कह रहा है कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ओके, ये एक कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व को हम रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो कर्व का जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y दिया हुआ है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। इस कर्व पे कोई नॉर्मल है उसका आपको इक्वेशन बताना है, ठीक। तो हम एक पॉइंट अज्यूम करते हैं, सपोज ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कुछ नाम आप रख लीजिएगा, ठीक है। लेट अस से इसको मैंने पी बोल दिया, जगह तो यहाँ पे है नहीं ये, क्योंकि अभी मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अज्यूम करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक। तो ये तो आ गया आपका क्या, टेंजेंट। इसको हमने टी से दिखाया, और इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पे परपेंडिकुलर है आपका नॉर्मल, नॉर्मल को हमने एन से डिनोट किया सपोज, ठीक है। तो इस नॉर्मल का आपको इक्वेशन बताना है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स इक्वल्स टू 4y व्हिच पासेस थ्रू। ये व्हिच किसके लिए लगा हुआ है, ये व्हिच लगा हुआ है किसके लिए, नॉर्मल के लिए, ठीक है। यानी कि नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अब देखिए ये जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, ये पास हो रही है कौन से पॉइंट से, 1, 2 से। तो इसका मतलब इस नॉर्मल पे ये 1, 2 आता होगा कहीं, यहाँ ना कहीं। अब कहीं भी आता होगा वो हमें नहीं पता, कोई असली हमने यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, कोई रियल ग्राफ नहीं है। विजुलाइजेशन करने के लिए हमने एक सिंपली रफ वर्क में एक ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉर्मल है आपका 1, 2 से पास हो रहा है। अब देखिए अगर आप ये नॉर्मल अगर 1, 2 से पास हो रहा है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल का इक्वेशन आएगा उसको ये 1, 2 सेटिस्फाई भी करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब 1, 2 will satisfy equation of normal, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई पॉइंट जिस लाइन पे बड़ा होता है उस लाइन पर, उस लाइन की इक्वेशन को पॉइंट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमको क्या बताना चाहिए, हमको ये बताना चाहिए कि नॉर्मल, हमको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि देखिए नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल का स्लोप क्या है। तो नॉर्मल का स्लोप पता करने के लिए हमें टेंजेंट का स्लोप पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज ये जो पॉइंट P है जहां से टेंजेंट पास कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या, h, k, करेक्ट। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आप कुछ भी अज्यूम कर लो, h, k हमने अज्यूम किया, ठीक है। अब देखिए क्या आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू, आपको पता है कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है dy/dx एट द गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट क्या है, h, k, ठीक है। तो dy/dx एट h, k अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा, और जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एम टी मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx एट h, k। अब dy/dx फाइंड करिए, तो यहाँ से आप dy/dx फाइंड कर लीजिए। देखिए 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, 4y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो 4 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, 4 से लेफ्ट में, 4 से राइट में, तो 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ से आगे आपके पास क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 2x और अपॉन में क्या है 4, 2 1 2 2 2, यानी कि हो गया आपके पास क्या, x अपॉन 2। तो dy/dx आया है x अपॉन 2, तो dy/dx एट h, k, मतलब dy/dx x का फंक्शन है, यहाँ x आ रहा है, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह आपको h पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे h रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, h अपॉन 2। तो ये आ गया आपका स्लोप किसका, टेंजेंट का। अब हमको पता है क्या कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू -1 होता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है आपस में। तो यहाँ से स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम इजिली निकाल सकते हैं, कैसे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ से हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, h अपॉन 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन h और आगे माइनस। तो ये आगे आपका क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हमने निकाल लिया। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आया है हमारा कितना आ गया, -2/h, करेक्ट, ये आ गया, ओके। अब देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात इसमें थी नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल की अगर हमको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल एक तरीके की लाइन है, और ऐसी लाइन जिसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जहां से वो पास कर रही हो। ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्मल है 1, 2 से तो पास हो ही रही है, ये h, k से भी तो पास हो रही है। ये h, k टेंजेंट पे भी लाई करता है, नॉर्मल पे भी लाई करता है, कर्व पे भी लाई करता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था y - y0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट, यही होता है लाइन का इक्वेशन, जो एक्स नॉट कमा वाई नॉट से पास हो रही हो जिसका स्लोप पता हो। हाँ, तो स्लोप यहाँ पर लाइन क्या है, टेंजेंट है, इसलिए हमने बोला वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप इन टू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, ये रहे आपके एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि हमारी जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास हो रही है, एच कॉमा के से। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 1.2 से पास हो रही है, हाँ हो रही है भाई, हो रही है, मना नहीं कर रहे, लेकिन देखिएगा जरा, तो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट हम एच कॉमा के इसमें रख सकते हैं, आइए पुट करते हैं। तो वाई माइनस वाई नॉट की जगह आप क्या रखोगे, के इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अभी अभी आपने निकाला था, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गई, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होना चाहिए था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हो ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल का स्लोप कितना है, माइनस टू अपॉन एच, अभी अभी हमने निकाला था। और एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह आप क्या रखोगे, एच, करेक्ट, तो ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर हम आपसे पूछे क्या है, इसको अगर हमने इक्वेशन वन नाम दिया, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, करेक्ट, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहां ध्यान देने वाली बात ये होगी क्या कि देखिए ये एच कॉमा के नॉर्मल पे तो लाई कर रहा था भाई, नॉर्मल पे भी तो लाई कर रहा है, टेंजेंट पे और कर्व पे भी तो कर रहा है, तो एच कॉमा के विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, फोकस करिएगा इस बात को। तो हम लिखेंगे क्या कि सिंस एच कॉमा के ऑल्सो ऑल्सो लाइज ऑन द ऑल्सो लाई ऑन द कर्व, ये कर्व पे भी पड़ा हुआ है, कर्व पे भी लाई कर रहा है, ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर वाई, दैट्स वाई ये एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो करा दीजिए सेटिस्फाई, आप अपनी कॉपी में लिखेगा दैट्स वाई एच कॉमा के विल सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर वाई, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह आप एच पुट कर सकते हो, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की जगह आप के पुट कर सकते हो, तो फोर के, तो यहाँ से आगे आपके पास क्या फोर के इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे पूछें कि आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन्होंने पूछा था, आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है ये, तो जवाब है अभी हमको h और k की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, ठीक। अगर ये h और k की वैल्यू हमको मिल जाए तो हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी x और y का कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको मिल जाएगी। तो अब ये h और k हम कैसे फाइंड करें, देखिए h और k दो अननोन है, तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए h और k में, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से h और k में, सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर टू बोला, एक और इक्वेशन बन सकती है कहीं से क्या, हाँ बन सकती है, कैसे, और ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ये आई है, अब ये नॉर्मल की अगर इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, और लाइन जिन जिन पॉइंट से होके गुजरती वो पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ध्यान से चेक करिए, आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा है क्या कि जो नॉर्मल है ये 1.2 से पास करती कि नहीं करती, है ना, इसका मतलब अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में, मतलब इस नॉर्मल जो कि एक लाइन है, इसकी इक्वेशन में अगर हम x की जगह कितना पुट कर दें 1 और y की जगह अगर हम 2 पुट कर दें, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो सिंस 1.2 लाई सिंस 1.2 लाई ऑन इक्वेशन ऑन नॉर्मल, ठीक है, तो ये 1.2 इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा, कराइए सेटिस्फाई, y की जगह कितना पुट करोगे 2, देखिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये वाई x कॉमा वाई, वाई की जगह 2, x की जगह 1, तो y की जगह 2 रखिए, तो 2 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन h इन द ब्रैकेट, x की जगह कितना पुट करोगे, x की जगह आप पुट करोगे कितना 1, ओके, तो x की जगह हमने 1 रखा, 1 माइनस h, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आप ध्यान से चेक करिए, आपको h और k नहीं पता था, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, आपको h और k मिल जाएगा, और जैसे ही आपको h और k मिल जाएगा आप 1 में ले आगे पुट कर देगा, तो आपको किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, नॉर्मल की, ठीक है। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 दोनों ही h और k में है, ठीक है, ये भी h और k में इक्वेशन है और ये भी h और k में है, तो दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये फिगर स्टूडेंट्स यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं, है ना, सब कुछ विजुलाइज हमने आपको करा दिया, तो देखिए क्या करेंगे, हमने यहाँ लिखा क्या कि सॉल्विंग कौन कौन सी इक्वेशन 2 एंड 3, तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, करेक्ट, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें,
मैं तो क्या सोच रहा हूँ यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन 2 से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहीं पे कर दूँ, समझ जाओगे आप। यहाँ 4 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड, यानी कि k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय 4। अरे बोथ साइड 4 से डिवाइड लगा दो, 4 से 4 इधर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो k की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे थर्ड में, करते हैं 2 माइनस k की जगह कितना रखना है, एच स्क्वायर अपॉन 4। तो k की जगह आप कितना पुट करोगे, एच स्क्वायर अपॉन 4 करेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन h इन द ब्रैकेट 1 माइनस h। अब देखिए ये h में दिख रही है बस सिंपली आपको, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 8, ओके 4 टू ज़ा 8 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ये एलसीएम लिया है स्टूडेंट्स मैंने, भाई 2 के नीचे 1 लोगे, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से 4 टू ज़ा 8 माइनस, और यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो गया माइनस 2 अपॉन एच इन द ब्रैकेट 1 माइनस एच करेक्ट। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, और ध्यान से चेक करिए क्या कर रहा हूँ मैं एक बार तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4h से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4h से, ठीक है। तो 4 इंटू एच से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 4 इंटू एच से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है ये 4 यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये h h से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या बचा, देखो h इंटू 8 माइनस h इंटू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा h का क्यूब इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ 4 बचा हुआ है और इस 4 का पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या सीन, एक्चुअल में ये जो 4 है ये 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा और आगे माइनस लगाए लगा देंगे, और ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, 1 माइनस एच। सॉल्व तो आप लोग कर सकते हो खुद भी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, 8h माइनस एच क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 1 सॉरी माइनस 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस करेक्ट, इधर आ जाएगा 8h, ठीक है। अब देखिए इधर भी 8h पॉजिटिव है और इधर भी 8h पॉजिटिव है, करेक्ट। और अगर दो क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं तो इसको उधर लेकर नेगेटिव हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8h को 8h से हमने कैंसिल कर दिया, आगे आपके पास माइनस एच क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस 8 करेक्ट। अब ध्यान दीजिए ये माइनस आप माइनस हटा सकते हो, अरे बोथ साइड माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि एच क्यूब, और ये भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया। अब एच क्यूब इज इक्वल्स टू 8 है तो एच कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कैसे, आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, और यहाँ से अगर आप क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब इसकी होल पावर 1/3, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3/3 कट जाएगा, 1 आएगा 2 की पावर 1, यानी कि एच इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो एच की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई, ओके। अब एच जब 2 आ गया तो इसको हम ले जाके यहाँ पर अगर पुट कर दें, ये जो हमने के की वैल्यू निकाली थी, तो के इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 अपॉन 1, 1, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका, चलो बहुत बढ़िया, इतना आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इतना कॉपी करिए, कर लिया तो यहाँ कहीं मैं नोट कर लेता हूँ, मेरा एच आया है 2 और के आया है मेरा 1, करेक्ट। अब आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी थी, यही है आपकी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, निकाल लीजिए यहाँ से, देखिए कैसे एच और के की वैल्यू आ चुकी है और अब हम ईजिली इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं फाइंड। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट वाई माइनस के का वैल्यू कितना पुट करोगे, 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन एच, कितना आया है, 2 आया इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एच, कितना आया है, 2 आया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे एक्स और वाई की वैल्यू क्यों निकाली, अरे एक्स और वाई की क्यों निकालोगे, एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है वही तो इक्वेशन को डिफाइन करता है ना, जब एक्स और वाई नहीं होंगे तो कैसे इक्वेशन मिलेगी, बिकॉज इक्वेशन मिलने का समझ रहे हो ना आपकी भाई, उसका ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्स की वैल्यू डालते जाओ वाई आता जाएगा, तो एक सीधी लाइन मिलेगी वही नॉर्मल होगी, तो एक्स और वाई तो रहेगा ही यार यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 हो गया आगे, तो वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ माइनस 1 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। सॉल्व करते हैं, वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक है। इस एक्स को इधर भेज दो तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 को राइट में भेजोगे 2 प्लस 1 3, तो आ गया हमारा क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, या जो भी आपकी बुक में आ रहा हो, आप आंसर मैच कराने वाली बात होती है
ठीक है, तो आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ठीक है। यस ऑब्वियसली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2।